युवा कांग्रेस कार्यकर्ता व पत्रकार राहुल गांधी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, पद का दुरुपयोग करते हुए मुझे अकारणी पासा एक्ट जैसे संगीन अपराध में फंसाया जा रहा है, जिसकी अपील मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में की है। मेरे पिता एक वरिष्ठ पत्रकार रमेश गांधी है, वह पुलिस के कुछ अफसरों की शिकायतें ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से मंत्रियों तक पहुँचाते रहते हैं। इसी बात से खफा होकर कुछ अफसरों ने मुझ पर गंभीर इल्जाम लगाए। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आज मुझे अपील करने पर 10 सूत्रीय बिंदु पर चर्चा करने के बाद पासा एक्ट को निरस्त कर मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। पत्रकार राहुल गांधी ने बताया कि कुछ लोग हमारे घर में घुसे, मुझ पर और मेरे पिता पर हमला किया, वह जान से मारने की धमकियां दी और हवा में गोलियां चलाने पर मुझे चेतावनी दी कि मैं आपराधिक गतिविधियों में उनका साथ दूं। जब मैंने इस बात से इनकार किया तो मुझ पर इल्जाम लगाए और गंभीर अपराधों पर पासा एक्ट न लगाकर पुलिस ने मुझे संगीन अपराध में गिरफ्तार कर लिया। न्याय मिलने पर देर हो सकती है, मैं सत्य की राह पर जीता हुआ व्यक्ति महसूस कर रहा हूँ। उल्लेखनीय है कि गत 6 माह पूर्व भी कोटा की पुलिस ने राहुल गांधी पर पासा एक लगाने का पूर्ण प्रयास किया था, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और DGP की अपील की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टर कोटा और पुलिस अधीक्षक कोटा को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह निर्दोष राहुल गांधी को परेशान न करे और निष्पक्ष रूप से जाँच कर इन पर पासा एक्ट जैसे गंभीर केस न ला दे जाए और छात्रों का भविष्य, जो विशेष रूप से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अकारण न फंसाने की सख्त हिदायत दी थी।